नमस्कार, बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ खुशबू। आज नहाए खाए के साथ आस्था का महापर्व चैती छठ प्रारंभ हो गया है। चैती छठ में सूर्य देव की उपासना की जाती है। ये त्योहार मुख्य रूप से बिहार और पूर्वी यूपी में मनाया जाता है, लेकिन अब ये समस्त भारत में मनाया जाने लगा है। छठ पर्व साल भर में दो बार मनाया जाता है। चैत्र माह में छठ को चैती छठ कहते हैं और एक छठ कार्तिक माह में भी पड़ता है, जिसकी मान्यता अधिक है। पौराणिक मान्यता है कि छठ व्रत से संतान की प्राप्ति होती है। आज व्रत के बाद भक्त चावल, चने की दाल और लौकी की सब्जी का सेवन करेंगे। तो चलिए जानते हैं चैती छठ का महत्व। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार छठी मैया सूर्यदेव की बहन है। यही वजह है कि छठ में सूर्यदेव की भी पूजा अर्चना की जाती है। छठ पर्व में सूर्यदेव की पूजा की जाती है और उन्हें अर्घ दिया जाता है। इसके साथ ही छठ पर छठी मैया की पूजन का भी विधान है। पौराणिक मान्यता के अनुसार छठी मैया या षष्ठी माता संतानों की रक्षा करती है और उन्हें दीर्घायु प्रदान करती है। शास्त्रों में षष्ठी देवी को ब्रह्मा जी की मानस पुत्री भी कहा गया है। पुराणों में इन्हें मां कात्यायनी भी कहा गया है, जिनकी पूजा नवरात्रि में षष्ठी तिथि पर होती है। षष्ठी देवी को ही बिहार झारखंड की स्थानीय भाषा में छठ मैया कहा जाता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ।